सो हे गाइस, पहले की तरह हम मुलाकात करते हैं, वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। बस 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 बस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर ब्लॉग। ऐसे ही मुलाकात करेंगे और आज की नई वीडियो की भी शुरुआत करेंगे। फिलहाल मैं और किंजल जो है वो आ गए हैं मॉर्निंग वॉक करने। किंजल, क्या है ये? इसको बोलना ही नहीं आता, अभी बेचारी शर्मा रही है। आधा टाइम तो मुंह ही खोलते रह जाती है, ई फ्लेवर ई करते रह जाएगी। इसको कुछ पूछेंगे तो देखो, अभी इसके फ्लेवर का नाम नहीं पता, बट किसने दिया है, क्या हुआ है ये तो पता। वो पंडित अंकल ने दिया। ये जो आगे से जो पंडित जी जा रहे हैं ना, ये वाले, ये पंडित जी ने मेरी किंजल को दिया है फूल। ये फूल अभी हम जाएंगे शायद मंदिर को, तो मंदिर को भी चढ़ा देंगे और हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। क्यों, है ना सुबह? और ये सुबह उठती नहीं है यार, बहुत दिक्कत करती है उठने में। ये देखो अभी भी नींद आ रही है इसको। फिलहाल मंदिर में पहुंच चुके हैं। मैं अंदर चले जाता मंदिर में, बट मैंने मुंह नहीं धोया इस वजह से मंदिर में नहीं जा सकता। और किंजल को भी मैंने बोला कि यार आप वहाँ पे वो जो नंदी बैल है वहाँ पे ना, वहाँ पे रख लो अपना, क्या अपना फूल ले कुचड़ू कुचड़ू वाइट पाऊँ, है ना। बस 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 बस। तो अभी मैंने एक कुत्ते को प्यार किया, सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए। लालू एंड फैमिली एंड कालू एंड फैमिली। और बंदर भाई साहब हमको देख रहे हैं, बंदर। तो अभी हम घर को वापस आ गए मंदिर से जाके। मंदिर जाके ना सच में बहुत सुकून मिलता है यार, चाहे आप मंदिर के अंदर जाओ या कहीं पे भी जाओ, अच्छा लगता है। और मुझे भी आज वैसी ही फीलिंग आई, आज वैसे। हाँ, अभी अभी जस्ट पीछे हमारे एक बैल है और उसने गुस्से से उधर नहीं ऐसे अपनी पूंछ रखी ऐसे करके ऐसे मार दिया। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तहे दिल खुली बाहों से आप सबका स्वागत है, स्वागत है पहाड़ के इन हसीन वादियों से। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अल्मोड़े से, क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ अभी अल्मोड़ा में। मैं हूँ आपका अपना जिंदा दिल बादशाह। और अभी हम घर को जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक वगैरह वगैरह कर कुर के फाइनल अपना। भैया पीछे से किंजल आ रही है, देखो आराम आराम से मैं आगे आगे चल रहा हूँ। अभी न्यूज पेपर लेने गई है वहाँ। ऑल सेट, मैं गया डैडी, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। हाँ सो फिलहाल जा रहा हूँ मैं अभी डेंटिस्ट के यहाँ। डेंटिस्ट के किस लिए, क्योंकि मेरे दांत में बहुत दर्द कर रहा है और एक्सरे कराना है साइड वाले जो दांत में है। तो पहले एक्सरे वाले के जाएंगे, फिर डेंटिस्ट के यहाँ जाएंगे। तो निकलते हैं सीधे बिना हेलमेट के। ऊपर से ना कपड़े गिर जाते नीचे, तो इसको अभी यहाँ रख देते हैं, बाद में उठा ले जाएंगे। आज तो मौसम काफ़ी सही हो रहा है यार, वरना तो पता है क्या, रोज़ धूल धूप पे धूप। ये हमारी राम प्यारी बेचारी दिन भर बेचारी धूप में कभी बारिश में ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि मानसून सीज़न है। और इसका साइलेंसर भी हल्का हल्का यहाँ से ऐसा होने लग गया है, देख रहे ना, अरे जंग लगने लग गई है। अगर ये थोड़े दिन और ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, पता है ये पूरा सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद ये पूरा जंग लग के पूरा ख़राब हो जाएगा। तो फिलहाल निकलते हैं आगे की ओर। वन किक स्टार्ट होनी चाहिए। हो गई, हो गई, अरे भगवान का मालिक कृपा दे ही। तो अभी फिलहाल सीधे निकलते हैं। बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना, सच में देखने लायक होता है। और जो मौसम मैं दिखा रहा हूँ ना, वो देखो, चेक इट गाइज, चेक करो गाइज, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का क्या पूरा एचडी मौसम हो रहा है, बिल्कुल है ना। बारिश की वजह से सारी की सारी डस्ट नीचे घुस जाती है, आ जाती है, इस वजह से क्या मौसम पूरा सेक्सी बना हुआ है, एक नंबर बोलते हैं। पूरा पूरा जो नैनीताल और तो फिलहाल गाड़ी पार्क करके मार्केट की ओर। तो ये है मार्केट, भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। इधर को जाना है अपन को, एक एक से हो जाएगा ना, एक ही दांत है। तो फिलहाल चिप ले लिए दांत की, तो एक्सरे इज डन और अब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। वैसे टाइम तो है नहीं, शायद मैं किंजल को पहले लूँगा, पहले किंजल को ले लूँगा, फिर शायद शाम को डॉक्टर के पास जाऊँगा। हमारी राम प्यारी बिल्कुल सही तरीके से खड़ी है,
एक टाइम तो मुझे लगा था कि पुलिस वाले ना उठा ले जाएं, वो पार्किंग में मैंने खड़ी कर रखी थी। तो देखो हमको कौन मिला है हमारे शहर में, ये लौंडा चिकना बन के बाल लाल देख दो बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार। तो ये है मिस्टर खन्नी, बहुत नामचीज इंसान है, अल्मोड़ा के बुलेट में दुराटे काटते हैं। कितने दिनों बर्फ में नाम आता है आए दिनों। तो जो अभी मिला था ना वो था मेरा दोस्त खनी, और मैं अभी जा रहा हूँ किंजल को लेने उसके स्कूल, फिर उसके बाद जाऊँगा हॉस्पिटल। ये है किंजल का स्कूल, सभी पेरेंट्स वेट कर रहा है अपने बच्चों के लिए। ये क्या है, पेंगुइन? हेलो, देखो दिस इज माय पेंगुइन। चलता भी है? नहीं, हम दोनों सामने हैं। ये पैर नहीं बने हैं, इसके पैर नहीं बने। क्या होते? इसके पैर नहीं बने हैं। तो ये बना के आई है पेंगुइन। सही है ना, इनके टाइम पे पेंगुइन पेंगुइन चल रहा है। मेरा पेंगुइन, इसे बनाने में बहुत मजा आता है। ये देखो मेरा पेंगुइन, अपना बॉटल पकड़ो। और हमारे टाइम पे हम जब पेंगुइन का नाम ही नहीं पता था हमको, केजी में पेंगुइन भी कुछ होता है। क्या सही है ना यार, आजकल क्राफ्ट वर्क शुड बी, यार क्राफ्ट वर्क होना चाहिए, पता उससे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चों। तो हम पहुंच चुके हैं घर, और फिलहाल मौसम काफ़ी सही हो रहा है, बारिश वारिश नहीं हो रही है, बट मौसम ये है कि बादल लगे हुए हैं, तो इसलिए काफ़ी सुहाना बोल सकते हैं जिसको मौसम, क्योंकि आजकल मॉनसून का मौसम है, बारिश तो होनी लाजमी है, बट या कि स्कूल के टाइम पे या कहीं जाने के टाइम पे ना हो तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो उतरो, अरे उतरो उतरो, बाइक गिर गई थी। अरे आप किंजल नहीं है, उसका नाम आज से पेंगुइन किंजल है। आंटी लोग पूछ रहे हैं कि कैसे बनाया पेंगुइन। ये मैंने बनाया है। ड्रैगन का तो मुझे लगता है कि मामू ने नया GoPro खरीदा है, और आज मुझे मामू के बैग से इस बैग में ये टंगा था, तो मुझे लगा कि मुझे चाहिए तो इसलिए, और देखिए कितना अच्छा है, तो इसलिए मैंने मामू को किस किया, और आज मैंने पेंगुइन बना रखा है, और मैंने और मेरे फुल मार्क्स आए हैं, और मैंने अपना सारा काम भी कर दिया, इसलिए मेरी छुट्टी चिकन जी बन के से होता है। दो साइड से मामू, दो साइड से। देखो सुबह सुबह मौसम कैसा था, कितनी सही धूप थी, अभी एकदम से बारिश का मौसम बन चुका है, बादल आ गए हैं बड़े भयानक वाले, आप देख ही रहे होंगे आगे का नज़ारा। देखो वहाँ वो दूर बारिश शुरू हो गई है, तो बरसात के मौसम में यही होता है कि कोई पता नहीं होता कब बारिश आ जाए कब धूप आ जाए। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के पास। तो हम पहुँच चुके हैं चौहान बाड़ा डॉक्टर जी के पास। तो फिलहाल जो दांत वाला काम था वो तो हो गया जल्दी से, कि कोई था नहीं इस वजह से, अब निकलते हैं सीधे डेंटिस्ट के यहाँ से। आके थोड़ी देर सोया, सोने के बाद अभी याद आया कि यार आज तो ट्यूसडे है और हनुमान मंदिर जाना जरूरी है, तो अभी हनुमान मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो बनता है यार हनुमान जी के वहाँ जाना थोड़ी सी शांति के लिए। एक बात तो है, GoPro 10 में ना लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी सही है, जो भी आप देख रहे होगे GoPro 8 में तो इतना आता नहीं है। हनुमान मंदिर पहुँच गए हम, पूजा करते हैं भगवान जी के लिए, प्रसाद लेते हैं। दे दिया सबको। तो फिलहाल घर पहुंच गए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, दिस इज रणविजय बाफिला साइनिंग ऑफ।